साथियों, बड़ी वारदात हुई है। जानकारी प्राप्त होने के बाद हम सब सारे आर्मी चीफ और कुछ सीनियर ऑफिसर्स वहां साथ बैठे थे, और उसके बाद आप सबको जानकारी है कि आर्मी चीफ का यहां पर आना हुआ भी था। सुनाई पड़ रहा है आपको किसी? आवाज नहीं आ रही है। सभी को आवाज सुनाई दे रही है? नहीं भी दे रही होगी तब भी ये बोलेंगे सर। नहीं, दे रही है। आर्मी चीफ ने उसके बाद भी जाकर जो बहुत सारी जानकारियां दी, हम सब के लिए भी सबसे दुखद घटना यह रही है कि हमारे चार जवान यहां शहीद हुए। सबसे पहले मैं अपने शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, और साथ ही उनके परिवार के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। और जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है, और हमारा एक सैनिक मैं मानता हूं वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सबके अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है, और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है, और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है, और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जाता, वह क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो कुछ भी जानकारी हम लोगों की दी जाती है उस आधार पर हम कदम उठाने की कोशिश करते हैं। आप सबका अनुशासन, आप सबका समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है उसके हम सभी लोग कायल हैं, यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है, और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं, देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी
चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह जानकर आप लोगों ने एक सैनिक बनने का संकल्प लिया है कि किसी भी प्रकार का जोखिम आ सकता है, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी यदि जोखिम उठाया है तो कोई छोटी बात नहीं है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा तब आपने सेना में भर्ती होने का फैसला किया है। आप सबकी यह सोच और जो आप कुछ कर रहे हैं वह कृत्य मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहूंगा वह अभिनंदनीय है। जनता का किस प्रकार का भाव आपके प्रति रहता है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप भी गांवों में जाते होंगे तो आपको एहसास होता होगा। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग भी इंसान हैं, क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं, लेकिन आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए, आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप विजय हासिल करेंगे मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है, यह मानकर मैं चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।